हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। मैं हूं रवि सर और आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं हीट रेडिएशन। तो दोस्तों आपने हीट कन्वेक्शन हीट कंडक्शन दोनों पढ़ लिया है। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं कि हीट कंडक्शन क्या होता है। तो पहले देखते हैं हीट कंडक्शन। तो हीट कंडक्शन क्या होता है दोस्तों, तो सिंपल एक अगर आप मेटेलिक रॉड लेते हो तो उसमें आपने अगर इस रॉड के इस टर्मिनल को अगर गर्म किया तो हीट यहाँ से पास हो जाती है यहाँ तक, और ये जो है अगर आप यहाँ पे थर्मामीटर लगाते हो तो आपको यहाँ पे हीट ये लगेगी, या तो फिर हाथ लगा के देखते हो तो आपको लगेगा कि ये जो टर्मिनल है वो क्या क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द हीट कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि मोलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ते नहीं है, जहां पे थे वहीं पे रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो जो हीट रेडिएशन रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। बाजू के मोलिक्यूल्स के जो भी वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशंस रिसीव करते हैं। दैट वाइब्रेशंस गो ऑन, आगे 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 वाइब्रेशंस पास ऑन होते हैं, क्योंकि देखो ये वाइब्रेट कर रहा है तो बाजू वाला उसको धक्का लगेगा, वो भी वाइब्रेट करेगा, तीसरा जो है वो भी वाइब्रेट करने लग जाएगा, चौथा जो है वो भी वाइब्रेट करेगा, और इस तरीके से वाइब्रेशन के थ्रू, यानी ये अपनी जगह नहीं छोड़ते, वही के वही रहते हैं, और वाइब्रेशन के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे हीट ट्रांसफर होती है, उसको बोलते हैं हम हीट कंडक्शन। तो हीट कंडक्ट हो रही है, मोलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे। दूसरा होता है हीट कन्वेक्शन, हीट का कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन एक प्रोसेस है जिससे हीट ट्रांसफर होता है। तीन तरीके है, उसमें से कंडक्शन हो गया, फिर दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर होता है। उसके लिए सिंपल सा एग्जांपल फिर से बताता हूं कि एक आपने क्या लिया, एक बीकर लिया और उसमें आपने वाटर रखा है और उसको आपने क्या कर दिया, आपने हीट दे दिया उसको, नीचे से हीट दिया। तो क्या होगा, ये जो मोलिक्यूल्स है जो इस यहाँ पे है ना, वाटर के मोलिक्यूल जो नीचे है उनको हीट मिलेगी, ये हीट उनको मिलेगी जो आप दे रहे हो, और वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, गर्म होंगे यानी फूलेंगे। तो एटम्स क्या है उसके, फूलेंगे यानी उनकी जो उनका जो वॉल्यूम है दैट विल इंक्रीज। सो वॉल्यूम इंक्रीजेस सो डेंसिटी विल डिक्रीज। इफ डेंसिटी डिक्रीजेस तो क्या होगा, ये कम डेंसिटी वाले मोलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे और हाई डेंसिटी वाले यानी जो ठंडे मोलिक्यूल्स है दैट विल कम डाउन। सो दिस मोलिक्यूल विल गो अप एंड दिस मोलिक्यूल्स विल गो डाउन बिकॉज दे आर वेटेड, है ना, उनकी डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है। तो ऐसे ही चलता रहता है। अब जैसे ये नीचे गए ठंडे मोलिक्यूल्स, नीचे जाने के बाद उनको हीट मिल जाएगी, फिर से उनकी भी डेंसिटी घट जाएगी तो वो भी ऊपर आ जाएंगे, और ये प्रोसेस चलती रहती है जिसको आप बोलते हैं पानी का उबलना, है ना। तो नीचे के मोलिक्यूल ऊपर, ऊपर के मोलिक्यूल नीचे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में मोलिक्यूल्स एक्चुअली ट्रांसफर हो रहे हैं, याद रखना, मोलिक्यूल्स एक्चुअल में कैरी कर रहे हैं, उनके साथ में वो लेके जा रहे हैं हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो ये डिफरेंस है कंडक्शन और कन्वेक्शन। इसमें मोलिक्यूल्स मूव नहीं करते, इसमें मोलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है, ये कन्वेक्शन। और तीसरा एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन बहुत ही अच्छा तरीका है, उसके लिए मोलिक्यूल्स को कहीं पे, या तो फिर जो बॉडी है उसको भी कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, बॉडी यही पे है और हीट ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए बॉडी को एक्सटेंड करना वहां तक जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर हीट यहां से यहाँ पे ले जाना है तो मुझे बॉडी को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये रॉड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जहां पे हीट भेजनी है वहां तक रॉड रखना पड़ेगा। लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं है, आपको बॉडी को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, बॉडी यही पे है और वो डायरेक्ट रेडिएट करेगी यानी फेंक देगी, एनर्जी को फेंकेगी, थ्रो करेगी। अच्छा, एनर्जी को थ्रो कैसे कर सकते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द मींस बाय विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो रेडिएशन है, हीट रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कैरी करते हैं हीट को एक जगह से दूसरे जगह। तो रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो रेडिएशन क्या आपने देखा है कहीं पे, रेडिएशन क्या आपको पता है कि रेडिएट कौन करता है? तो सिंपली कोई भी हॉट बॉडी हो वो रेडिएट करती है, जैसे कि सन, सन हॉट बॉडी है तो वो रेडिएट करती है। क्या आपको पता है कि आप भी एक रेडिएटर हो, हीट रेडिएटर हो, आपकी बॉडी भी हीट रेडिएट करती है, और वो जो हीट रेडिएशन है उसको आप सेंस भी कर सकते हो। कैसे सेंस कर सकते हो, तो आपकी बॉडी, आपकी जो त्वचा है ना, स्किन है, दैट इज द बेटर सेंसर फॉर द हीट रेडिएशन। इट वर्क्स एज अ सेंसर, है ना, यू कैन सेंस हीट बाय द स्किन, स्किन सेंसेस हीट, हीट को आपकी स्किन सेंस करती है, यानी ये स्किन जो है वो हीट का एक सेंसर है, हमारे पास है। वैसे ही कई सारे जो ये है एनिमल्स है वो भी हीट को सेंस कर सकते हैं। एक स्नेक, स्नेक जो है वो आपके हीट को ही सेंस करता है,
उसको आपकी बॉडी नहीं दिखती है, वो आपकी जो हीट है उसको सेंस करता है, जो हीट रेडिएशन आप रेडिएट कर रहे हो उससे वो सेंस करता है, उसको जो बॉडीज है उसकी एक थर्मल इमेज दिखती है। तो जितनी बॉडी हॉट होगी उतना उसका उसको क्या दिखेगा, उसकी इंटेंसिटी हाई दिखेगी, वो जो थर्मल इमेज है उसमें, है ना। तो आप भी एक रेडिएटर हो, वैसे ही हर एक जो बॉडी है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है दैट बॉडी कंटिन्यूअसली रेडिएट्स, हर एक बॉडी। तो वैसे ही यहाँ पे हीट रेडिएशन हो रहे हैं। ये जो हीट रेडिएशन है इसके बारे में हमें आज यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। सपोज कोई बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पे अगर हीट रेडिएशन गिरते हैं तो उसके साथ क्या होता है, यानी ये कैसे रिएक्ट करेगी हीट रेडिएशन को। तो जब भी हीट रेडिएशन फॉल करेंगे देर आर 3 प्रोसेसेस विच कैन हैपन। फर्स्ट प्रोसेस इज रिफ्लेक्शन, तो जो हीट रेडिएशन उस पर गिर रहे हैं हो सकता है कि वो उसका जो कुछ पार्ट हो या तो फिर पूरा का पूरा वो रिफ्लेक्ट हो जाए। बॉडी क्या करती है, रिफ्लेक्ट, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होता है सिमिलरली हीट कैन बी रिफ्लेक्टेड, तो हीट भी रिफ्लेक्ट होती है, तो हीट के भी रेडिएशन है लाइट के भी रेडिएशन होते हैं, तो दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड। दूसरा क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो हीट रेडिएशन फॉल कर रही है बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले, है ना, ये बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा हो सकता है। अगर पूरा का पूरा ऑब्जर्व इसने अगर पूरा का पूरा उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं, है ना, क्योंकि ब्लैक जो कलर है वो ब्लैक कलर रेडिएशंस को रिसीव कर लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक कलर आपने देखा होगा, इसलिए हम ठंडी के मौसम में ब्लैक जो कपड़े है उनको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बॉडी क्या रहे, गर्म रहे, है ना, और जो हीट रेडिएशन जो भी हम पे गिर रहे हैं वो पूरे की पूरा एब्जॉर्ब हो जाए और हमें गर्मी मिले, इसलिए हम काले कपड़े पहनते हैं जनरली, तो एब्जॉर्ब हो सकता है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी इसमें। तीसरा ऐसा हो सकता है कि जो हीट रेडिएशन है इसको ये रिएक्ट ही ना करे और ये हीट रेडिएशन इसमें से पास ऑन हो जाए, तो इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसमिशन, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन और इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो अगर 100% एनर्जी इस पे गिर रही है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। अब अलग अलग बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, जैसे कोई बॉडी होगी जो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसको हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलेंगे क्योंकि 100% उसने एब्जॉर्ब कर लिया। जो बॉडी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी उसका कोई ये जो ट्रांसमिशन है वो जीरो हो जाएगा और रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा क्योंकि उसने पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो गुड एब्जॉर्बर है, जो बॉडी गुड एब्जॉर्बर है वो बॉडी बैड रिफ्लेक्टर है, वो बॉडी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बैड रिफ्लेक्टर, ओके। और अगर सपोज ऐसा हो गया कि ये जो सरफेस है वो प्योरली रिफ्लेक्टर सर्किट है, बहुत पॉलिश सरफेस है और पूरी की पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये गुड रिफ्लेक्टर होगा। तो अगर ये गुड रिफ्लेक्टर है यानी मैक्सिमम एनर्जी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्जॉर्बर्स, याद रखो। यहां पे हम लिख देते हैं गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्जॉर्बर्स, वैसे ही गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स, रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। अब देखो हमें पता है कि कुछ पार्ट ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर रहा है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है यानी कितना पार्ट ये करता है इसके लिए हमने क्या बनाया, कोएफिशिएंट बनाया है। तो हम लेते हैं पहले एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो हम पहले देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन या तो फिर आप इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टेंस, एब्सॉर्प्टेंस या तो फिर एब्सॉर्प्टिविटी। ये क्या होता है दोस्तों, तो ये कोएफिशिएंट है जो आपको दिखाता है कि कितना पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसको अगर मैं ए लेटर से दिखाता हूं तो ये दिखाएगा आपको, सपोज अब हम मान के चलते हैं कि यहां पे टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है इस बॉडी पे वो क्यू एनर्जी इंसिडेंट हो रही है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको बोल देते हैं क्यू आर, है ना, हीट के लिए क्यू यूज करते हैं हम, तो क्यू आर, और ये हीट ट्रांसमिट हो रही है तो इसको क्यू टी बोल देंगे और ये एब्जॉर्ब हो रही है इसलिए इसको क्यू ए बोल देंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या आएगा आपका, वो आएगा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी और वो क्यू हो रही है इसलिए क्यू ए बाई क्यू,
ये क्या है आपका, ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन है। वैसे ही हम कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन भी निकाल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या तो फिर रिफ्लेक्टिविटी या तो फिर रिफ्लेक्टेंस, ऐसे तीन नाम उसको है। तो इसको अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे R लेटर से, सो R इज इक्वल टू, अब ये क्या दिखाएगा, ये कोएफिशिएंट आपको दिखाएगा कि कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड। तो इसने रिसीव कितनी की, हीट रेडिएशन Q रिसीव की है, एंड QR क्या किया है उसने, रिफ्लेक्ट किया, तो दिस इज द रिफ्लेक्टिविटी। ओके, थर्ड जो है वो है ट्रांसमिटिविटी या तो फिर ट्रांसमिटेंस, मैं अलग अलग नाम यहां पे लिख रहा हूं, है ना, ट्रांसमिटिविटी भी बोलते हैं और ट्रांसमिटेंस भी इसको बोलते हैं। तो इसको अगर निकालना है तो वो टी से निकालेंगे, टी लेटर से उसको डिनोट करेंगे, तो ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, कि भाई आपने कितनी हीट आगे ट्रांसमिट कर दी, तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड टू द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड। तो ये है हमारे कोएफिशिएंट। अब आपको यहां पे क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि भाई ये ट्रांसमिशन, क्या ट्रांसमिशन और कंडक्शन दोनों सेम ही चीजें हैं, क्योंकि कंडक्शन में भी एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक एनर्जी जा रही है और ट्रांसमिशन में भी एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक एनर्जी जा रही है, तो क्या कंडक्शन और ट्रांसमिशन दोनों भी सेम ही फेनोमेनन है? तो नहीं दोस्तों, दोनों अलग अलग है। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में एनर्जी कैरी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हो, है ना, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे कि मैंने बताया कंडक्शन में वाइब्रेशंस है, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन है जो ट्रांसफर होते रहते हैं, तो एक वाइब्रेट कर रहा है तो वो दूसरे को भी वाइब्रेट करवाता है, वो तीसरे को करवाता है, तो ये वाइब्रेशंस है जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। लेकिन ट्रांसमिशन में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है आगे, तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ही रहती है, तो जो वेव्स आए हैं वो वही वेव आगे निकल जाएगी, पास ऑन हो जाएगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसमिशन बोलेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस। चलो अब आते हैं यहाँ पे, हमने ये तीनों कोएफिशिएंट देख लिए, तो अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो ए प्लस आर प्लस टी कितना हो जाएगा, तो तीनों के फॉर्मूले लिख देंगे, तो क्यू ए बाय क्यू प्लस क्यू आर बाय क्यू प्लस क्यू टी बाय क्यू, तीनों का डिवाइडर जो है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसलिए तीनों ऐड हो जाएंगे, तो क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी अपॉन क्यू इज इक्वल। अब देखो ये जो एब्सॉर्प्शन है, हीट एब्सॉर्ब हुई जो हीट है वो, प्लस रिफ्लेक्ट हुई हीट और ट्रांसमिट हुई हीट, दिस थ्री टोटली बिकम क्यू, तो इसलिए इनकी जगह पे हम क्यू लिख सकते हैं, तो क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू वन। तो ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू वन, ये जो रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इस रिलेशन पे ही आते हैं, और ये जो रिलेशन है इसको नोट डाउन करो, ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू वन, तीनों कोएफिशिएंट की जो एडिशन होती है वो वन होती है, वन से ज्यादा नहीं। तो अब यहां पे देखो, इस पे न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं एक न्यूमेरिकल आपको दे देता हूं, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो एक न्यूमेरिकल आपको देता हूं मैं, सपोज आपको गिवन डेटा में दिया हुआ है, आपको गिवन डेटा में ए दिया हुआ है 0.54, आपको बी दिया, सॉरी आर दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन वो कितना दिया है 0.16, और आपको अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय ऑब्जेक्ट वो दिया है 4000 जूल, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट। देखो आपको क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन दिया 0.54, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है 0.16, और अमाउंट ऑफ हीट जो इंसिडेंट हो रही है उस पे जो रिसीव की हमने वो क्यू दी है, तो आपको क्यू टू निकालना, क्यू टी, तो हमें पता है क्यू टी किसके फॉर्मूले में, टी के फॉर्मूले, टी इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू, तो आपके पास क्यू है, आपको अगर टी मिल जाए तो आप क्यू टी निकाल सकते हो, तो आपके पास रिलेशन क्या है, ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू वन, यहां से टी, ये ए की वैल्यू क्या है 0.54 प्लस आर की वैल्यू क्या है 0.16 प्लस टी इज इक्वल टू वन, तो ये हो गया, दोनों का एडिशन किया तो 0.7
प्लस टी इज इक्वल टू वन, टी इज इक्वल टू वन माइनस 0.7 0.3, सो टी इज इक्वल टू 0.3। तो आपको निकालना है क्यू टी, तो क्यू टी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू इंटू टी, क्यू है 4000 इंटू टी है 0.3, सो दैट बिकम 1200 जूल। तो जो क्यू टी है वो हो गया आपका 1200 जूल। आ गया समझ में, है ना? तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स इसपे होते हैं, और भी न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हो, आप खुद ट्राई कर सकते हो, आप इसकी जो वैल्यूज है उसको चेंज कर दो और आपको मिल जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं ट्रांसमिशन। ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना, वो ट्रांसमिशन जो सब्सटेंसेस करते हैं उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, तो टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन आर देयर। फर्स्ट इज अथर्मेनस सब्सटेंसेस एंड सेकंड इज डायथर्मेनस सब्सटेंस। तो ये अथर्मेनस सब्सटेंसेस क्या है, जिनका कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जीरो होगा उसको बोलेंगे अथर्मेनस सब्सटेंसेस। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्लस आर इज इक्वल टू वन हो गया आपका, क्योंकि टी जीरो है, इसको अथर्मेनस सब्सटेंसेस बोलेंगे। तो ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो ये सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस है जो उनपे जो हीट गिरती है उसको बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं करते, कुछ भी ट्रांसमिशन नहीं होगा, यानी वेव्स को पास ऑन नहीं करेगा। वेव्स को पास ऑन नहीं करेगा तो उसको अथर्मेनस सब्सटेंसेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर हमें एग्जाम्पल्स देने हैं तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे। पहला एग्जाम्पल है वॉटर। तो वॉटर एक अथर्मेनस सब्सटेंस है जो जो हीट रेडिएशन है उसको पास ऑन नहीं करता। अब वॉटर में हीट अगर ट्रांसफर होती है तो उसका तरीका है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन वो तरीका है जिसके थ्रू वॉटर में हीट ट्रांसफर होती है, बट उसमें कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होता। यानी हीट रेडिएशन अगर रिसीव करता है, जैसे कि सन रेडिएशन है, तो अगर आपने वॉटर बीच में रखा है तो वो जो हीट के रेडिएशन है वो उधर से इधर पास नहीं हो सकते। आया समझ में? आपने अगर वॉटर है बीच में तो वो पास ऑन नहीं हो सकते। दूसरा आयरन, कॉपर, इसको मैं यहां पे नंबर वन डालता हूं, इसको नंबर टू डालता हूं, इसको नंबर थ्री, कॉपर। तो आयरन का बार अगर आपने लगा दिया या तो फिर प्लेट बीच में लगा दी है तो सन के जो रेडिएशन है वो इधर तक नहीं आएगा, है ना? तो वो गर्म हो जाएगा लेकिन उसके जो रेडिएशन है, रेडिएशन जो हीट के रेडिएशन है वो आपको इधर रिसीव नहीं होंगे। है समझ में? तो कॉपर भी है। देन लैम्प ब्लैक ये भी एक मटेरियल है जो ट्रांसमिट नहीं करता। और वाटर वेपर्स वो भी हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता, वाटर वेपर। तो जो हीट ट्रांसफर है थ्रू रेडिएशन, और वो भी कौन सा, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन जिनके लिए जीरो है उनको बोलेंगे अथर्मेनस सब्सटेंस, वो पास ऑन नहीं करते। जबकि जो पास ऑन कर देंगे, फुल्ली पास ऑन करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डायथर्मेनस सब्सटेंस। तो डायथर्मेनस सब्सटेंस में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो फुल्ली पास ऑन करे, है ना? यानी कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन टोटल वन होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो पास ऑन कर देंगे। जैसे कि NaCl फॉर एग्जांपल, नमक जो है, है ना, वो ट्रांसफर करता है। यानी आपने अगर नमक रख दिया है, इस पे अगर कोई हीट इंसिडेंट हुआ है तो वो ट्रांसमिट भी करेगा, उसको बोलेंगे डायथर्मेनस सब्सटेंस, जो ट्रांसमिट कर देगा। तो NaCl एक है। उसके बाद में क्वार्ट्ज एक मटेरियल है जो ट्रांसफर कर देता है आगे। उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में ड्राई एयर, हाइड्रोजन, ये सारे ऐसे है, या तो फिर ग्लास भी है। ये सारे ऐसे मटेरियल्स है जो डायथर्मेनस सब्सटेंस है, यानी हीट को ट्रांसफर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन। हीट वेव जो है उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, यानी आगे पास ऑन कर देते हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं हम डायथर्मेनस सब्सटेंसेस। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अभी कि डायथर्मेनस सब्सटेंस और अथर्मेनस सब्सटेंस क्या होते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो, हमने एब्सॉर्प्शन देखा। एब्सॉर्प्शन में कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जो
बहुत सारे जो रेडिएशंस है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भी फॉल करता है उसको एब्जॉर्ब। उसमें मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक कलर है वो मैक्सिमम रेडिएशन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब ब्लैक कलर तो करता ही है, लेकिन ऐसा कौन सा मटेरियल है जो सबसे ज्यादा जो रेडिएशन से उनको एब्सॉर्ब कर पाए, तो ऐसा है लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक, तो ये जो लैंप ब्लैक होता है, लैंप से निकलने वाला जो ब्लैक पाउडर होता है उसको हम बोलते हैं लैंप ब्लैक। ये जो लैंप ब्लैक है ये अप्रोक्सीमेटली 98% जो भी रेडिएशन उस पर गिरते हैं वो 98% वो एब्जॉर्ब कर लेता है, 100 में से 98%, यानी इसका एब्सॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा है, ये बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सिर्फ 2% रेडिएशन है जो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, 98% जो है वो एब्सॉर्ब हो जाता है। तो 98% एब्सॉर्ब होने की वजह से इसको नियरली परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोला जाता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी इसको ही बोला जाता है। तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए इसको लैंप ब्लैक को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये भी 98% ही है, तो इसको और कैसे बढ़ाया जाए। तो इसको बढ़ाने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फेरी। तो ये फेरी ने एक ब्लैक बॉडी बनाई जिसको फेरीज ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ये जो ब्लैक बॉडी है ये नियरली 100% जो रेडिएशन है उसको रिसीव कर लेती है। तो उसने एक आर्टिफिशियल बॉडी बनाई जिसको फेरीज ब्लैक बॉडी कहा जाता है। तो उसने वो ब्लैक बॉडी में देखो कैसे उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि उसमें कैसे बनाएंगे। तो उसने क्या किया, एक मेटालिक स्पीयर लिया और वो मेटालिक स्पीयर था डबल वॉल्ड, यानी उसको कितनी थी वॉल्स, दो थी, डबल वॉल्ड उसने लिया है। यहां पे उसने क्या किया, डबल वॉल्ड में ये जो बाहर का सरफेस था वो निकेल से पॉलिश कर दिया, निकेल पॉलिश, ताकि बाहर से जो भी एनर्जी इधर इस साइड से गिरे वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तो निकेल पॉलिश है बाहर का एरिया, और यहां पे अंदर उसने लगा दिया लैंप ब्लैक। उसने लैंप ब्लैक यहां पे लगाया हुआ है, ये क्या है लैंप ब्लैक पूरा लगा दिया, लैंप ब्लैक की पाउडर अंदर से लगा दी, कोटिंग कर दी उसकी, ठीक है। अब ये जो दो वॉल्स थे, दो वॉल्स के बीच का ये जो एरिया है ये उसने इवैक्यूएट कर दिया, इवैक्यूएट कर दिया, इवैक्यूएट कर दिया, इसका मतलब क्या है, इवैक्यूएट कर दिया इसका मतलब है कि वहां पे उसने कोई भी एयर का पार्ट नहीं रखा, यानी एयर निकाल दी। एयर क्यों निकाली, क्योंकि भाई कन्वेक्शन और कंडक्शन के थ्रू जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कंडक्शन होगा तो जो भी हीट ये रिसीव कर रहा है इसका कुछ पार्ट अगर कंडक्ट हो गया तो बाहर निकल जाएगा, या तो फिर कन्वेक्शन हो गया तो भी बाहर चला जाएगा। तो हीट कंडक्ट भी नहीं होनी चाहिए, कन्वेक्शन भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसने क्या किया कि इनको यहाँ पे ये जो वॉल्स थी इनके बीच का जो एरिया उसको इवैक्यूएट कर दिया, एयर वहां की हटा दी पूरी। अब वहां पे ये जो पार्ट है एग्जैक्टली अपोजिट पार्ट, ये जो अपर्चर है उसका, ये अपर्चर है, कैविटी है जिसमें से रेडिएशन अंदर जा सकते हैं। तो इस अपर्चर के एग्जैक्टली अपोजिट साइड में उसने एक कोनिकल शेप बनाया, ये कोनिकल शेप, और उसको भी लैंप ब्लैक से क्या कर दिया, कोट कर दिया। अब क्या हुआ, ये बन गई आपकी फेरीज ब्लैक बॉडी। देखो क्या होगा, अगर कोई भी हीट रेडिएशन आते हैं तो हीट रेडिएशन जब इस पे फॉल करेंगे तो कोनिकल प्रोजेक्शन होने की वजह से जब वो रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो इस साइड में ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे, अगर यहां पे गिरते हैं तो इस साइड में ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब ये इंसिडेंट हुए तो यहां पे लैंप ब्लैक लगा हुआ है, यानी अगर 100% यहां पे आया, ये 100% जो भी रेडिएशन आ रहे हैं उसमें से 98% तो यहां पे एब्जॉर्ब हो गए, तो रिमेनिंग कितने है, सिर्फ 2%। तो 2% रिफ्लेक्ट हुआ, तो जब फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ तो सिर्फ 2% एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, बाकी 98% एब्जॉर्ब हो गई क्योंकि ये लैंप ब्लैक है, ठीक है। अब ये जो 2% एनर्जी थी वो फिर से यहां पे रिफ्लेक्ट हुई, तो जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो ये कुछ इधर यहां पे ऐसे मुड़ी, सपोज, सो दिस गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। नाउ व्हाट विल हैपन, द 2% ऑफ दिस 2% विल गेट रिफ्लेक्ट नाउ, यानी ये पहले ही 2% बची थी, अब 2% का भी 98% यहां पे एब्जॉर्ब हो चुका है, और रिमेनिंग 2% यानी 2% का 2% जो बहुत ही कम होता है वो रिफ्लेक्ट हो गया यहां पे, ठीक है। अब यहां से ये फिर से रिफ्लेक्ट होगा और यहां पे इस पे गिरेगा, यहां पे भी लैंप ब्लैक है, तो अब ये
फिर से ये जो 2% का 2% था उसका भी 98% एब्जॉर्ब हो गया, यानी अभी जो एनर्जी इसके पास बची है वो 2% के 2% का 2%, इतनी कम एनर्जी बची। अब जब ये फिर से रिफ्लेक्ट होगा तो और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो अगर इसने 10-12 एब्जॉर्प्शन भी कर लिए तो अप्रोक्सीमेटली 99.999% जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है और 0.0001% एनर्जी ही रिफ्लेक्ट हुई है ना। तो जब ये बाहर निकलेगा, अगर उसने 8-10-12 रिफ्लेक्शन भी कर लिए तो 99.99% एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और इसीलिए इसको बोला जाता है फेरीज ब्लैक बॉडी। तो फेरीज ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो उस पे जो रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं उसके 99.99 अप्रोक्सीमेटली है ना, यानी प्रैक्टिकली तो 100% पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम आइडियली मानते हैं कि 100% जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर ले और इसको हम बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। तो आया आपको समझ में फेरीज ब्लैक बॉडी? इसके लिए याद रखो, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना होगा तो 1 होगा, इसलिए इसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1, यानी 100% एनर्जी वो रिसीव कर लेता है। अब कई सारी जो बॉडीज है उनके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 1 भी हो सकता है, और जब ये कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 1 होगा इसका मतलब क्या है कि उनके ऊपर अगर 100% एनर्जी गिर रही है तो वो 100% एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस बॉडी को बोला जाता है व्हाइट बॉडी, हम इसको बोलते हैं व्हाइट बॉडी। व्हाइट बॉडी क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत इंटेंस दिखेगी, क्योंकि वो 100% जितना उस पर गिर रहा है उतना का उतना रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा व्हाइट दिखेगी, यानी इंटेंस दिखेगी, बहुत ज्यादा चमकेगी। जैसे कि अगर आपने कोई लाइट डाला है आईने पे, मिरर पे, तो आपको पता है कि जो मिरर है वो रिफ्लेक्ट करता है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है इसलिए आपको दिखेगा कि जो एनर्जी, जो लाइट आप उस पर डाल रहे हो वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो बहुत तेज रोशनी हमें लगती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा लगती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, रिफ्लेक्शन अगर 100% मिरर में 100% नहीं होते, तो अगर रिफ्लेक्शन 100% हो गए तो इसको क्या बोलेंगे हम, व्हाइट बॉडी। और वैसे ही अगर एब्जॉर्प्शन 100% है तो उसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम रुकते हैं, है ना। मुझे लगता है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पॉज करके रिपीट करके इस वीडियो को आप देख लो, है ना। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।